नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। उत्तराखंड की सीमांत ग्राम पंचायत अटाल के फेडिस कफसार निवासी समाज सेवी डॉक्टर पूजा गौड़ ने ग्राम पंचायत अटाल में नशाखोरों के प्रवेश को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन से अटाल में पुलिस चौकी खोलने की मांग की है। समाज सेवी डॉक्टर पूजा गौड़ पिछले 2-3 सालों से जहां क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की धांधली के भ्रष्टाचार पर काम कर रही है, वहीं सामाजिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। डॉक्टर गौड़ ने जहां एक और कोविड के उस दौर में किसानों को उनकी नकदी फसलों के बेहतर दाम हेतु फेडिस में ही अपने निजी पैसों से लाखों रुपए से एक किसान केंद्र खोला है, जिससे किसानों को अपनी फसलों को दुर्गम क्षेत्र विकास नगर देहरादून जैसी मंडियों में न ले जाकर उनके खेतों में ही बेहतर दाम में फसलें उठाई गई। वहीं दूसरी ओर अब समाज सेवी पूजा गौड़ द्वारा क्षेत्र में नशे की चपेट में आ रहे युवाओं के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उससे रोकने के लिए अटाल में पुलिस थाना खोलने की मांग की है। डॉक्टर गौड़ ने कहा, नशे से सिर्फ एक युवा जीवन खत्म नहीं हो रहा है, अपितु उसके साथ साथ एक और जहां कई परिवार उजड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इससे क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ने का भी क्षेत्र में भय है। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों और पूजा गौड़ की प्रतिक्रिया। ये अटाल जो है हिमाचल से लगा हुआ इलाका है। यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं और कोई टनिया और ये इस तरीके जो क्या के ये नशे वाली चीज़ें है उसको यूज करते हैं और यहाँ के जो लड़के उनको अपने अंडर में ले लेते हैं ये लोग। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे पुलिस चौकी खुल जाए और थाना अध्यक्ष से हमारी ये निवेदन है कि यहाँ पे जो है थोड़े से व्यवस्था कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो है लोकल लोग हैं वो भी बहुत परेशान हैं और हम जो बाजार वाले हैं व्यापार मंडल वाले हम भी उनसे थोड़े डरे से रहते हैं, क्योंकि उनका कोई पता नहीं है कि वो लोग जो है कब आ जाएं और कब क्या कर ले और किसके साथ किस तरह की बातें करें। देखिए, नशा मुक्ति जिस तरह से चपेटे में लोगों को ले रहा है ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक है। और ये देखिए, अटाल जो अटाल ग्राम पंचायत है ये सिर्फ अटाल ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं है, क्योंकि अटाल में जो लोग अटाल के लोग हैं वो लोग तो इसको पैदा नहीं कर रहे, ये कहीं ना कहीं से आ रहा है अटाल में, बॉर्डर होने के नाते और ज़्यादा उस दोनों तरफ से सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर मैं लोगों से उम्मीद करती, देखिए मेरे घर में कोई नशा नहीं करता है, तो ये मेरा पर्सनल निजी नहीं है कि मैं अपने उसके लिए कर रही हूँ या मतलब अपने गांव के लिए कर रही हूँ, या मैं सभी के लिए बोल रही हूँ कि जो लोग भी नशा कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, हमारे क्षेत्र को बचाना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बोला था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, तो हमारी जो हमारे पहाड़ की जो जवानी जो हमारे युवा लोग हैं अगर वो नशे की गिरफ्त में आ जाएंगे और जो आ चुके हैं अगर उनको नहीं कंट्रोल किया गया तो हम उनको खो देंगे। ऐसे ही पहाड़ का पानी, पहाड़ का पानी इतना मीठा होता है, अगर वो मीठे पानी को कुछ ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के लिए छेड़खानी करेंगे तो वो भी सही नहीं है। तो इन दोनों को भी, इन दोनों के ऊपर लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम सबको, हम एक एक लोगों को मिल के कदम उठाना पड़ेगा, तभी ये जो राजनीतिक लोग हैं वो भी जागेंगे और उनकी शक्तियां भी हमारे साथ में जुड़ेंगी। लेकिन पहले ये मुहिम हमें खुद उठाना पड़ेगा और हमें हर घर से लोगों को इस नशे को निकालने के लिए, बाहर फेंकने के लिए तैयार रहना। जैसे दिवाली में हम लोग दिया जलाते हैं ताकि घर में जो अंधकार है वो दूर हो पाए, ऐसे ही हमें हर घर में नशे के खिलाफ इस तरह की दिया जलानी पड़ेगी, मुहिम छेड़नी पड़ेगी कि नशा रूपी जो राक्षस है उसको अपनी जिंदगी से या अपने इलाके से और अपने क्षेत्र से हमेशा के लिए निकाल फेंके। धन्यवाद। आगे के अपडेट के लिए बने रहें डीसीबी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।